गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 5 को साइंस पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, ये चैप्टर का नाम है। इससे पहले हमने आपको बताया था व्हाई डू एनिमल्स नीड फूड, जानवर क्यों खाना खाते हैं, क्योंकि जानवरों को ताकत की जरूरत होती है, उनको भूख लगती है, वो तो एक कारण होता है, लेकिन ताकत की जरूरत होती है जिससे वो अपना काम कर सके। उनका क्या काम होता है कि जैसे मार करके जानवरों को खाना, क्योंकि वो अपना खाना खुद ही ढूंढते हैं और खाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड चेन, यानी कि जितने भी जानवर हैं वो फूड चेन बनाते हैं। फूड चेन कैसे बनाते हैं, जैसे छोटा सा पौधा है, उस पौधे को बकरी खाती है, ठीक है, और बकरी जब उस पौधे को खाती है तो उस बकरी को कौन मार के खाता है, शेर मार के खाता है। तो ये हमारा फूड चेन हो गया, यानी कि हम लोग जितने भी जानवर हैं सब फूड चेन में आते हैं। अब इसमें है टाइप्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स फिर हमने बताया कि एनिमल्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो जानवर होते हैं जो खाली घास खाता है, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ये जो जानवर हैं ये हमारे हर्बीवोरस में आते हैं। दूसरा हमारा है कार्निवोरस। कार्निवोरस वो जानवर होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो सिर्फ मांस खाते हैं, यानी कि दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप टाइगर हम कह सकते हैं, टाइगर हो गया, लायन है, ये ऐसे जानवर हैं जो जानवरों को मार कर खाते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा है ओमनीवोरस एनिमल। हमने आपको बताया तो ओमनीवोरस वो एनिमल होते हैं जो घास भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, यानी कि वो हर्बीवोरस और कार्निवोरस जो चीजें होती हैं, घास फूस मांसाहारी, ये दोनों चीजों को खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, बिल्ली ले लीजिए, कैट, कैट जो है दूध पीती है, ठीक है, तो दूध क्या है, हमारा शाकाहारी है। और उसके बाद बिल्ली क्या करती है, चूहे को भी मार के खाती है, वो हमारी क्या हुई, मांसाहारी, है ना। तो यानी कि वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों चीजों को खाती है। उसके बाद हमने ये बताया हाउ एनिमल्स फीड, है ना। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे सांप है, मेंढक है, ये जानवरों को निगलते हैं, ये चबाते नहीं है, ये सिर्फ जानवरों को निगलते हैं। उसके बाद हमने ये बताया कुछ जानवर जो है उनके मतलब उनके खाने के तरीका जो है इनके दांत के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे आप देखिएगा, जैसे सांप वगैरह उनकी जीभ बहुत लंबी होती है, तो वो जीभ से क्या करते हैं, जानवरों को पकड़ करके निगल लेते हैं। अब आप ये देखिएगा जैसे कार्निवोरस वाले जानवर जो है, शेर है, चीता है, उनके दांत बहुत नुकीले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नुकीले से दांतों को काटते हैं और बगल वाले जो दांत जो इधर दांत होते हैं उसको चबाने का काम करते हैं, ठीक है, ये चीजें होती है। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कुतरने का काम करते हैं, जैसे चूहा हो गया, गिलहरी है, खरगोश है, ये भोजन दिया जाए तो उसको कुतरने का काम करते हैं, तो इस तरीके से वो अपना पेट भरते हैं। आज हम आपको एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड च्यू कर, यानी कि उन जानवर जो घास खाते हैं किस तरीके से दांतों को, उनके दांत किस प्रकार के होते हैं जिससे वो अपना खाना खा लेते हैं आसानी से। हर्बीवोरस लाइक काउस एंड बफेलोस ईट ग्रेन्स एंड लीव्स। हर्बीवोरस जानवर जो है जैसे आपका काऊ हो गया, बफेलो है, ये लोग क्या होते हैं, ये अनाज खाते हैं, जैसे दाने अनाज के हो गए, ग्रेन्स वो खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। दे यूज देयर फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ टू बाइट ऑफ द लेवल्स एंड ग्रास। उनके आगे के दांत जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, मतलब ये हमारे दांतों का आकार, ठीक है, ऐसे चौड़े होते हैं, फ्रंट टीथ जो सामने का दांत होता है, तो वो इसको इस तरीके से यहाँ से आप काटते हैं उसी तरीके से वो दबा के मतलब वो काटने का काम इनके आगे के दांत जो है वो चौड़े होते हैं जिससे वो चीजों को काट सके, जैसे कि पत्तियों को या घास को काट सके। दे यूज देयर स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक और टू च्यू देयर फूड। और जो यहाँ पे ग्राइंडिंग टीथ होता है
वो स्क्वायर होता है इस तरीके, तो वहां पे जाकर के ये चबाते हैं। यानी आप सबसे ज्यादा देखिएगा कि तोड़ तोड़ के खाली ये इस जगह पे इकट्ठा करते हैं गाय भैंस को, देखिएगा फिर धीरे धीरे जुगाली करते हैं जिसे कहते हैं, धीरे धीरे उसमें से निकाल करके वो अपना खाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाय के आगे के दांत जो होते हैं वो काटने के लिए दांत होते हैं, वो थोड़े से मतलब नुकीले होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नुकीले भी नहीं होते हैं, ब्रॉड होते हैं, और उसको तोड़ करके फिर वो बगल के दांतों से वो चबाते हैं। Cows and buffaloes first swallow their food, later they bring it back into their mouth and chew it upwards. अब इसमें बताया है जो cows और buffalo होते हैं, जो घास को फटाफट काटते रहते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा कहाँ कर, मतलब ये आपने देखा होगा, वो कभी भी आप देखोगे अगल बगल पे कि जो गाय भैंस होते हैं वो हमेशा मुंह चलाते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो घास को या पत्तियों को जो भी चीज वो खाते हैं तो उसको इकट्ठा कर लेते हैं और धीरे धीरे निकाल करके उसको चबाते हैं, और गले के पास उनका वो बना होता है जिसमें वो तोड़ तोड़ करके वो इकट्ठा करते हैं। This is called chewing the curd and these animals are called curd chewing animals. और इनको हम इसी वजह से इनको curd chewing animals कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तोड़ते हैं पत्तियाँ, उसको इकट्ठा करते हैं, फिर घंटे बाद धीरे 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 उसको चबाने का काम करते हैं। Animals that lack milk or water. अब वो जानवर है जो दूध को पानी को अपनी जीभ से चाटते हैं, जीप से चाट करके खाते हैं। Cats and dogs use their tongue to lap up milk and water. अभी cat और dog, कुत्ते और बिल्ली, ये दोनों ऐसे जानवर हैं। आप देखिएगा अगर सामने पानी रख देंगे तो वो अपनी जीप से चाट चाट के फिनिश करते हैं। उसके बाद में फीडिंग हैबिट्स ऑफ सब अदर एनिमल्स। अब इसमें कुछ उन जानवरों के बारे में मतलब अलग अलग तरीके बता रहे हैं कि वो जानवर कैसे खाते हैं। एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग थिक ट्रंक व्हिच हेल्प इट टू ईट एंड ड्रिंक। आपने देखा होगा जैसे हाथी, हाथी की बहुत लंबी सूंड होती है, तो हाथी क्या करता है उस सूंड से पेड़ों की टहनियां तोड़ना ये सब वो करता है। उसके बाद उस सूंड से वो क्या करता है अपने मुंह के अंदर चीजों को डालता है और उसमें अपनी सूंड का इस्तेमाल पानी पीने के काम भी करता है। इट यूजेस इट्स टंग टू ब्रेक ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स एंड पुट देम इनटू इट्स माउथ। इट आल्सो यूज इट ड्रंक टू सक इन वाटर एंड शूट इट इनटू इट्स माउथ। और इसमें ये बताया है कि हाथी जो है अपनी सूंड का इस्तेमाल करता है टहनियाँ तोड़ने का, टहनी तोड़ करके वो अपने मुँह के अंदर डालता है। इसी तरीके से पानी जो करता है लेता है, उसके बाद अपने मुँह के अंदर पानी भी डालता है, यानी कि वो अपने सूंड का इस्तेमाल खाने पीने में करता है। An earthworm swallows soil which has part of dead plants and animals in it. अब earthworm जो केचुआ होता है, आपने देखा होगा वो मिट्टी में केचुआ जब ऊपर मिट्टी में देते थोड़े छोटे 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 ऐसे करके गोले बने हुए होते हैं, तो वो क्या करता है केचुआ जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स सूख गए होते हैं या एनिमल्स उनको धीरे 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 मतलब खुद करके ऊपर तक लाता है, तो इससे आप देखेंगे कि केचुआ जो है हम लोग किसान के खेतों में केचुआ डालते हैं ताकि वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते। कैसे मिट्टी उपजाऊ बनाते, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर जाकर के क्या करते हैं मिट्टी को वो कुरेदते हैं, तो वो मिट्टी जो है नीचे वाली मिट्टी जो है ऊपर आ जाती है, यानी कि जो नीचे की मिट्टी जो है ऊपर आएगी तो वो उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। तो इसलिए अर्थवर्म जो है इन मरे हुए पत्तियों को, मरे हुए जानवरों को उनको स्वालो निकलने का काम करता है, उनके दांत नहीं होते हैं, केचुए के कोई भी दांत नहीं होते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज एंड बीज हैव लॉन्ग सकिंग ट्यूब व्हिच हेल्प देम टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। मॉस्किटोज आल्सो हैव सकिंग ट्यूब्स व्हिच हेल्प देम टू सक ब्लड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। अब क्या होता है जैसे मच्छर हो गया, तितलियाँ हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, ये क्या करते हैं इनके तो दांत होते ही नहीं है, ये कैसे क्या करेंगे इनकी जो एक इस तरीके से देखिए ऐसे बना हुआ है इसमें ये देखें ये सब करने वाला बना हुआ है, यानी कि चूसने का ये इससे वो चूसते हैं, चूस करके अपने पेट में डालते हैं।
जैसे आप मच्छर को देखेगा, मच्छर आपके यहाँ पे बैठता है तो क्या करता है, फूल को चूसता है। तितली जो है फूलों पे बैठती है तो उसको चूसती है, वो चूस करके वो अपना पेट भरती है। कीड़े मकोड़े का भी यही काम होता है। प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ एनिमल्स, अब क्या है, जानवरों की हमको कैसे देखभाल करनी चाहिए, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन आवर वर्ल्ड, हमारे पूरी पृथ्वी पे, पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। सम आर वाइल्ड एंड लिव इन फॉरेस्ट व्हाइल सम आर डोमेस्टिक, कुछ जानवर जो है जंगली जानवर है वो जंगलों में रहते हैं, और कुछ जानवर डोमेस्टिक कहलाते हैं जिनको हम लोग पालते हैं। जंगली जानवर हो गया आपका, जैसे टाइगर है, एलिफेंट है, लेपर्ड है, शेर, बाघ, चीता, ये सारे जानवर जो है आपके जंगली जानवर हैं, और ये कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। और इसके बाद जो कुछ जानवर जो डोमेस्टिक कहलाते हैं जिनको हम पालते हैं, जैसे आप देखेंगे गाय हो गया, भैंस है, बकरी है, मुर्गी है, ये सारे जानवरों को हम लोग पालते हैं। दे हेल्प एंड लीव विद अस, ये हमारी मदद करते हैं और ये डोमेस्टिक एनिमल जो है हमारे साथ ही रहते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स एंड टेक केयर ऑफ देम एंड देयर एनवायरमेंट, हमको इन जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए एनवायरमेंट की वजह से। जैसे आप देखिए जो डोमेस्टिक एनिमल है, जैसे गाय भैंस है, हमने उनको खूंटे में बाहर बांधा है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो उसमें क्या है, जानवरों में पानी पड़ेगा, बारिश में ज़्यादा भीगेंगे तो वो भी बीमार पड़ जाएंगे। तो अगर बारिश बहुत तेज हो रही है, धूप बहुत तेज हो रही है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, छाया में बांधते हैं या ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ वहाँ पे छाया रहे और बारिश का पानी भी वहाँ पर ना पहुँचे। इनके आसपास में हम लोग साफ़ सफाई रखते हैं, क्योंकि अगर हमने जानवर पाला है, अगर हमने इसके आसपास साफ़ सफाई नहीं रखी है तो बीमारी भी हमारी फैलती जाएगी। इसलिए हमको जानवरों को साफ़ सुथरा, उनको नहलाना धुलाना, जहाँ वो रहते हैं उनको साफ़ सुथरा रखना, उनका प्रोटेक्शन करना वो हमारा काम है, क्योंकि हम उन जानवरों को पाल रहे हैं। केयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वी शुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट, अब हमको जंगली जानवरों की केयर कैसे कर सकते हैं। अब जंगली जानवर के पास तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि जंगली जानवर हम लोगों को मार भी सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, तो इनको हम कैसे केयर कर सकते हैं। तो जैसे जंगलों में आपने देखा होगा कि लोग बहुत जंगलों में जाते हैं, शिकार करते हैं, तो हमको वो नहीं करना चाहिए, उनको जंगलों में आराम से रहने देना चाहिए। जंगलों में अगर जिस तरीके से हम लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, अगर पेड़ कट जाएंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे, वो आकर गांव में आएंगे, गांव में आएंगे तो हमको नुकसान पहुँचाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को पेड़ नहीं काटना चाहिए, हम लोग को शिकार नहीं करना चाहिए, वो जहाँ पे हैं जिस तरीके से हैं हमको उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जंगलों में रहने देना चाहिए। केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, अब क्या है, हमको डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि जो घर में हम जानवर पालते हैं उनकी देखरेख हमको कैसे करनी चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये तो आपको पता है कि जितने पालतू जानवर हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। डोंकीज, ऑक्सन, कैमल्स एंड हॉर्सेस कैरी हैवी लोड्स फॉर अस, जैसे आप ये कह सकते हैं, जैसे गधा हो गया, ऊंट हो गया, घोड़ा है, इन सबको हम लोग पालते भी हैं, और ताकि हम इसमें से जो इनके ऊपर सामान, भारी भारी सामान रख करके, लोड करके इधर से उधर हम लोग ले जाते हैं। दे आर कॉल्ड ड्रफ एनिमल्स, इनको हम लोग ड्रफ एनिमल्स कहते हैं। काउज, बफेलोज एंड गोट गिव अस मिल्क, दे आर नोन एज मिल्क एनिमल्स, यानी कि ये मिल्क एनिमल्स हैं, जैसे काऊ हो गया, गाय, भैंस, बकरी, क्योंकि ये हमको दूध देती है। शीप गिव अस वूल, शीप जो है, भेड़ जो है, इससे हमको ऊन मिलता है। मुर्गी से, बतख से हमें अंडे मिलते हैं। हिंस, वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ दीज एनिमल्स, जिनकी वजह से हमको इन जानवरों को अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि इनसे हम चीज़ें पाते हैं। आप देखें किसी जानवर से हमें दूध मिल रहा है, किसी से ऊन मिल रहा है, तो हमको इनकी देखभाल अच्छी तरीके से करनी चाहिए। वी शुड गिव देम गुड फूड एंड क्लीन वाटर, हमको अगर अपने घर में पाले हुए हैं तो हमको इनको भोजन, साफ भोजन देना चाहिए, साफ पानी देना चाहिए। देयर शेल्टर शुड आल्सो बी क्लीन रेगुलरली, और इनको जहाँ हम रखते हैं उस एरिया को हमको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानने योग्य चीज़ें हैं, जिस
इसको आपको हमेशा याद भी रखना है। ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव, जितने भी जानवर हैं वो जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं। ऑल फूड चेन बिगिन फ्रॉम प्लांट्स, जितना भी फूड जो फूड चेन बनता है वो प्लांट द्वारा बनता है। आप ऐसे कह सकते हैं जैसे प्लांट होता है उसको बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, तो बकरी डायरेक्टली प्लांट को खाती है लेकिन शेर क्या करता है उसको इनडायरेक्टली खाता है। इनडायरेक्टली भी उस बकरी को खा रहा है तो इनडायरेक्टली भी जो आपका प्लांट है उसके अंदर उसको खाता है। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, सम ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, व्हाइल अदर ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश। हमने आपको बताया कुछ प्लांट्स जानवर खाते, कुछ जानवर प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोरस कहलाते हैं, कुछ जानवर एनिमल को खाते हैं मार के वो कार्निवोरस कहलाते हैं, कुछ जानवर जो मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं वो ओमनिवोरस कहलाते हैं। द वे ऑफ ईटिंग डिपेंड्स एंड द माउथ पार्ट डिपेंड वन काइंड ऑफ फूड दे ईट। अब क्या है, जितने भी जानवर हैं उनके मुंह का साइज सबका अलग, खाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जैसे हमने ये बताया आपको शेर मार के खाता है तो उसका मुंह का साइज वैसे ही होता, आगे के नुकीले दांत होते हैं, किनारे के दांत चपटे होते हैं जिससे वो नुकीले दांतों को काट के चबा सकता है। फिर हमने बफेलो के बारे में, गाय भैंस के बारे में बताया कि वो क्या करते हैं कि घास को तुरंत काटते हैं, काट करके वो इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद एक एक घंटे के बाद उसको निकाल कर चबाते हैं, यानी कि जुगाली करते हैं। कुछ जानवर के बारे में हमने ये ऐसा बताया कि जैसे मेंढक है ये क्या करते हैं निगलते हैं, जीभ निकाल करके उनको जानवर को खींच करके वो अपना निगल देते हैं। उसके बाद हमने आपको एक चीज़ और बताई कि एक जानवर ऐसा होता है जो चूसता है, यानी कि जैसे मच्छर हो गया, इंसेक्ट हो गया, कीड़े मकोड़े हैं, ये क्या है फूल को चूसना या फूलों को चूसना, ये सब काम करते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स एंड टेक केयर ऑफ देम एंड देयर एनवायरमेंट। हमको इन जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए, अच्छी तरीके से करना चाहिए ताकि ये भी प्रोटेक्ट रह सके। आज हमने आपको ये लेसन पढ़ खत्म करा दिया है, कल हम आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स ये दोनों हम करेंगे। आज का ये चैप्टर खत्म होता है।